नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित साइंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो रेलवे NTPC का जो दोस्तों फर्स्ट वाली जो पूछा गया था CV2 का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, जो मैथ और रीजनिंग का अलग से हम वीडियो दोस्तों बनाएंगे, जो जिसमें हम अच्छे से आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ दोस्तों आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों लेवल 6 का है। ठीक है, जो 10:30 बजे से 12 बजे तक हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो 9/5/2022 को एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों इससे पहले हम सेकंड पाली का करा चुके हैं और ये फर्स्ट पाली का है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखिएगा क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया था। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा है रीजनिंग से। ठीक है, जो 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ वृत्ताकार में वृत्त केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं, तो बी के दाईं ओर। दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम रीजनिंग का और जो मैथ का जो इसमें जितना पूछा है उसका अलग से वीडियो बनाकर हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों दूसरा का जो रीजनिंग का है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, जो GASN हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, ये भी दोस्तों रीजनिंग का है। ठीक है, जो दिशा वाला क्वेश्चन होता है ना उसी से पूछा है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा मैथ का क्वेश्चन, जो बहुलक माध्य अंतर जो निकालना है। ठीक है, बहुलक और माध्य। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है अभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुलक का मतलब जो दोस्तों होता है बहुत सबसे ज़्यादा बार आया होता है उसको बहुलक कहा जाता है। माध्य आपको दोस्तों उसका अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीके का क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पैटर्न पहल कब शुरू किया था। तो आपको एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा, जनवरी 2021 को किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। दोस्तों ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सही आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखिएगा ए भी जो है, निम्नलिखित प्रक्रिया परिभाषा किया है जिसमें से सरकार या एक अधिक कंपनी से अधिकांश हिस्सेदारी में बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्या हित धारक के रूप में बनी रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्मोचन विनिवेश। ठीक है, 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये भी देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा है, ये भी रीजनिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। दोस्तों देखिएगा मैथ का क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज का निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद इतना 5,680 हो जाती है और 3 वर्ष बाद इतना तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 5,000। ठीक है, 50,000 होगा इकाई। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, 20-50,000 होगा उसका। ठीक है, देखिएगा ये भी दोस्तों, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए थे। दोस्तों ये भी रीजनिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद से भी पूछा है। ठीक है, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है, तो आपको हो जाएगा सही आंसर राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा। ठीक है, मैं नेक्स्ट देखिएगा। दोस्तों ए भी जो मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका सही आंसर 16 हो जाएगा।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर, 3 अगस्त 2021 को विंड मास्टर्स ओपन में भारत शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरिक राजा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष में की गई थी, तो आपका सही आंसर 1948 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा रीजनिंग का है। ठीक है, जो देखिएगा आपका सही आंसर 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश स्थान से 16वां और नीचे 21वां। यदि 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो आपको 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा देखिएगा दोस्तों, ए बी रीजनिंग का है। ठीक है, इसका सही एम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25-42 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ए मैथ है। ठीक है, इसका आपको हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको सही हो जाएगा के सैलजा। ठीक है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि का व्यय का अंतर 448 है, तो धन का मान ज्ञात कीजिए, तो आपका सही आंसर आया होगा, आया है 3500। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसका देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिम तट से हटाया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तौक्ते। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, साइंटिटा जो क्वेश्चन है उससे पूछा है। ठीक है, त्रिकोणमिति से 9/2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ए भी इसका आंसर आ जाएगा 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जो ये सब मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो बनाकर सोल्व कराएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ आंसर बता रहे हैं। ठीक है, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम में सबसे सवाल पूछा है, तो आपका सही आंसर 35 आया है। ठीक है, इसका हो जाएगा 35। नेक्स्ट देखिएगा, चावल की भूसी तेल स्थिरीकरण में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, लाइपेज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष पांक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मछली का उपयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एकटा बाजार में एक परियोजना का उद्घाटन किया, तो आंध्र प्रदेश में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा एक गैर पारंपरिक स्रोत है, तो आपको पवन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश और का ऐसा ही जो लगभग 6×10^18 इलेक्ट्रॉन ऋणित आवेश के बराबर होती है, तो आपको कूलम हो जाएगा। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन संयुक्त राष्ट्र का निकाय IPCC का पूर्ण रूप है क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 होगा। ठीक है,
गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रोगों की संख्या कितनी होती है? तो 72 होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। ए बी और सी डी केंद्र ओ वृत्ताकार के समांतर स्पर्श रेखाएं बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू, स्पष्ट कर दिए तो पी क्यू आर का माप ज्ञात कीजिए तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कौन थे? तो 53 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भारत में बोडो भाषा मुख्य किस राज्य में बोली जाती है? तो असम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्यक्ष वर्ष उच्चतम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हांगकांग चीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तीस संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, तो अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, तो 68 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आपका सही आंसर 71 है। ठीक है, इसका जो दोस्तों मैथ का क्वेश्चन, ठीक है देखिएगा दोस्तों, ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो रोक कर बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा 324। नेक्स्ट देखिएगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के 2020 के आंकड़े के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। संविधान सभा के भारत के संविधान के मौजूद तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मौजूद समिति का गठन किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सॉरी, देखिएगा, समिति की वनगठ 15 मार्च 2020 को रविवार दिन थी, तो उसके पति के वर्गांठ जो 31 मई 2020 को थी, तो कौन सा दिन होगा? देखिएगा दोस्तों, ये जो दिया है ना कैलेंडर से क्वेश्चन है, आपका रविवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 46 आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। पद्मश्री मीनाक्षी मिश्रा भारत के एक शास्त्रीय नर्तक की और अभिनेत्री है, उन जिसमें से भारतीय का शास्त्रीय निपुणता के लिए ख्यात प्राप्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओडिसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, ए बी को महत्व से क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सही आंसर आया है 3-2 आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा को कुरेती का भारतीय वादक है? तो आपको तबला हो जाएगा। ठीक है, फोर हो जाएगा नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, पांडुचेरी बिलियानु मंदिर में किए जाने वाला पांडुचेरी कौन सा लोक नृत्य के हिंदू महाकाव्य के रामायण संचित है? तो आपका सही हो जाएगा गराड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन आप रोक कर बना सकते हैं वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी देखिएगा जो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, येलो का देखिएगा दोस्तों, ये जो कथन निष्कर्ष का रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका सही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा 2011 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में IOR में भारत के निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का सैटेलाइट का परीक्षण किया था? तो आपको सिंधु नेत्र उपग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, 3 होगा। ठीक है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा कुल
की संख्या तो आपको 7 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन, आप इसकी रोक कर इसको बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फॉर द चैम्बर हॉल, आपका से आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, पिकॉक। नेक्स्ट देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों में भारतीय संविधान में वर्ष में शामिल किया गया था, तो आपको 1976 में। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा कुट भाषा जो है रीजनिंग का दिया। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 41/40 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी देखिए जो ब्लड रिएक्शन से है, आपका भाई आंसर हो जाएगा 4 नंबर। देखिएगा एक कथन निष्कर्ष से आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, छह व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ के समूह इसके क्रम में होना अनिवार्य है, तो डी ई डी ए ई से लंबा है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा बी या सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ए भी दोस्तों देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, देखिएगा आपका सही आंसर 2 होगा। नेक्स्ट देखिएगा 64 नंबर देखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर केवल निष्कर्ष 1 होगा, 70। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बंडल बजट रेखा के बीच स्पर्श ज्यातीय बिंदु पर स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनधिमान वक्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष में की गई थी कब, तो 1974 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सचेंज करने की अनुमति देता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड है, HTTP। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ने चित्तौड़गढ़ में महमू खिलजी से पराजित किया गया विजय स्तंभ के स्थापित किया था, तो आपको राणा कुंभा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अभी मैथ का क्वेश्चन, आपका सही आंसर 6 हो जाएगा। वीडियो को रोककर बना सकते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों हम डिस्कशन कराएंगे अलग से। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ये भी जो मैथ का दिया है, ठीक है, बोला तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ग का उपयोग MS एक्सेल जो है में से निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है, तो आपको डॉलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसका दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 1/4 / 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सिक्किम में लबाब दुवेचन नामक पर्व स्वर से पृथ्वी का अवतार के लिए आरक्षण मनाया गया, तो भगवान बुद्ध हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा दोस्तों मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 सितंबर 2021 के किस भारतीय निशानेबाज ने पारंपरिक के एकल संस्करण में 2 पारंपरिक पदक जीते, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, 50 होगा सही आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपका दोस्तों ये आंसर हो जाएगा परमादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
उप सहारा अफ्रीका आय के खाद्य उत्पादन के सुधार वाले ट्रॉपिकल लेग्यूमिस प्रोजेक्ट के लिए संस्थान का अफ्रीका खाद्य पुस्तक 2021 में सम्मानित किया गया था। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, सॉरी बी होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थ उसमें कटिबंधी फसल अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, देखिएगा ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत पूछा है। ठीक है, ये बैठने वाला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक निश्चित वर्ष के साधारण ब्याज की दर से निवेश एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो समान साधारण ब्याज की दर एक समान राशि 6 वर्ष में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 45%। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका डब्ल्यू एल पी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एमएथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 510 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सीमांत उपभोग प्रतिवृत्ति MAPC संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 4 होगा, आय में परिवर्तन के साथ उपभोक्ता परिवर्तन की दर। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है जो रेलगाड़ी से पूछा है। ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 30 सेकेंड में समय लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी मैथ का क्वेश्चन, आपका सही आंसर -76 होगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं दोस्तों, मैं इसका अलग से वीडियो कम बनाऊंगा। ठीक है, 5 वर्ष के पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के अनुपात 9:4 है, सॉरी 4 होगा, तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु इतनी पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 आया है। ठीक है, आप लोग का वीडियो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एक निश्चित कूट भाषा जो देखिएगा दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, पहले दोस्तों अब पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो SSC में पूछता था बैंक में दोस्तों, देखिए पूछा है तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ये जो है 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष में 31 मार्च को सप्ताह में कौन सा दिन होगा, तो आपका सही मंगलवार ही होगा, ये कैलेंडर से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपका सही आंसर इसका हो जाएगा लास्ट चिल्ड्रन अकाइव। नेक्स्ट देखिएगा, इसका भी आंसर आपको हो जाएगा √5+2। ठीक है दोस्तों, इसका जो ये भी रीजनिंग का है। ठीक है, तो आपका सही आंसर 1 है। नेक्स्ट देखिएगा, मैथ का देखिएगा क्वेश्चन 42 है। ठीक है, आएगा इसका आंसर, सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सॉरी थोड़ा गलती हो गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर 42 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इस तरफ आपका सही आंसर 42 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, इसका दोस्तों आंसर होगा आपका 1 होगा। ठीक है, सस्मिता लेखा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये भी दोस्तों देखिए मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत के तो √2k+11 का मान ज्ञात कीजिए, तो आपका 4 होगा। ठीक है, सॉरी 4 ऑप्शन होगा, 7 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों एक क्वेश्चन, जो 22 मार्च को सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था, तो दोस्तों 1994 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों ये बैठने वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 98 नंबर, जो आपका सही आंसर के और ओ के ठीक माध्यम में होगा। ठीक है, आप रोक कर वीडियो बना सकते हैं और सॉरी हॉल कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैथ से दिया है, एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है और उस एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकती है, तो 2 पुरुष और 3 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपका सही आंसर आया है दोस्तों 5 होगा। ठीक है, तो आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन देखिएगा, आपका सही आंसर 27 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 101 नंबर, दोस्तों इसका आंसर आया है आपको 12 सही,
आठ बट्टा में 23 आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों ये भी मैथ का क्वेश्चन जो 25% आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 30 है? तो परमाणु संख्या 30 किसका है? तो आपका जेड एन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रेडिक्टेबल से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 104 का देखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महिलाओं की एक पत्रिका में वामावोधिनी पत्रिका का संपादक थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, उमे चंद्र दत्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 106 नंबर क्वेश्चन, आपको वैष्णव संपदा के देव के कितने अवतार और अवतरणों को माना गया है? तो आपको 10। ठीक है, 10 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कालिदास निम्नलिखित में से किस कृति भगवान शिव और देवी पार्वती के पूजा कृतिमान के जन्म के प्रसंग के आधार पर बनाया गया है? तो आपको कुमार शंभु। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह वर्ष कब हुआ था? तो आपको 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? नील नदी, तो आपको मिस्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जो पाई का मान 22/7 दिया है? ठीक है, इसी पर बनाना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि 0.17 वाई बराबर 10.2 है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए? तो आपका सही आंसर आया इसका दोस्तों आया है 4, ऑप्शन जो 60 नंबर है, 6 यानी 60 है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी दिव्य मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको देखिए ब्रह्मपुत्र। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से भारतीय रेलवे का सबसे पुरानी उत्पाद इकाई है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चिरंजन लोकोमेटिव वर्कर्स। नेक्स्ट देखिएगा, 114 नंबर देखिएगा दोस्तों, उदोपादन क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ का ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 115 का दोस्तों देखिएगा जो आपका 4 होगा। ठीक है, जो रीजनिंग से दिया है। ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़ा गलती हो जा रहा है इसका। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 4 हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का दिया है। देखिए दोस्तों, ए जो मैथ का दिया है क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जो होगा आपको 2 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, बात में निम्नलिखित में से किस राज्य में पद्म भद्रकाली मंदिर में किए जाने वाला एक धार्मिक नीति है? तो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी दोस्तों देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मैथ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिया है। ठीक, तो आपका सही आंसर 2008 होगा। ठीक है, तो दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, जो 10 तारीख को एग्जाम हुआ था उसका लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।